नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तालिबान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान समेत कई देशों में तालिबान जहां एक्टिव है, वहीं अब ये तालिबान तुर्की को आग दिखा रहा है। जी हां, वही तुर्की जो पहले तो आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान का पेट पाल रहा था, आतंक की फैक्ट्री बने पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक रॉकेट बरसा रहे तालिबान आतंकवादियों ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की नींद उड़ा दी है। तुर्की लगातार मुस्लिम जगत का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस बादशाह को चुनौती दी है तालिबान ने। लेकिन आखिर तालिबान ने तुर्की को एक्शन का डोज देने की धमकी क्यों दे दी, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालने की बात कर चुका है, और ये बात करके एक तीर से कई निशाने चलाने वाले तुर्की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसी का चेला कहे जाने वाला तालिबान गैंग तुर्की की रातों की नींद खराब कर देगा। एर्दोगन ने अब काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अमेरिका से वित्तीय, लॉजिस्टिकल और राजनयिक समर्थन मांगा है। तुर्की के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब हाल में तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर तुर्की की सेना ने हमारी सरजमी को नहीं छोड़ा तो हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल हाल ही में तुर्की ने यह प्रस्ताव दिया था कि जब नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापस चली जाएंगी तो उसके सैनिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लेंगे। इससे पहले तालिबानी आतंकवादियों ने तुर्की को जोरदार धमकी दी थी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के तुर्की के इरादे को खारिज कर दिया, ऐसे ओछा बताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसकी घोषणा अमेरिका के कहने पर की है, जो हमारे और तुर्की के बीच के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। तालिबान ने कहा कि हम किसी भी विदेशी सेना को हड़पने वाला मानते हैं। एक तरफ तो तुर्की अमेरिका से सपोर्ट मांग रहा है और दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा, जो उसके दोहरे रवैये को तो दर्शाता है, लेकिन इससे बड़ी बात कि उसे अब डर सता रहा है कहीं उसी के सपोर्ट से पला बड़ा तालिबान तुर्की को ही ना खत्म कर दे। फिलहाल के इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।